हरियाणा की नई नवेली सैनी सरकार में बतौर कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने के बाद जगाधरी पहुंचे कंवरपाल गुर्जर का फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। कंवरपाल के स्वागत में दर्जनों कार्यकर्ता जगाधरी स्थित उनके आवास पहुंचे, जिन्होंने मंत्री गुर्जर पर फूल बरसाए और ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर झूमे। इस मौके पर कंवरपाल गुर्जर ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का धन्यवाद किया और कहा कि नायब सैनी की सरकार मनोहर लाल की नीतियों को मजबूती के साथ आगे बढ़ाएगी और आने वाले लोकसभा चुनावों में 10 की 10 सीटें जीतकर बीजेपी के 400 पार के नारे को सफल बनाएगी। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे प्रति जो विश्वास व्यक्त किया। अब ये हम सब की जिम्मेदारी है कि पूरी मेहनत करके पूरी लगन के साथ जिस प्रकार से हमने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में काम किया, उसी प्रकार से हम नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में पूरी लगन के साथ और उनके साथ काम करेंगे और जनता की जो समस्या है उनका समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। सर देखिए, इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत ज़ोरदार स्वागत किया यहां पर। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जनता को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो नीतियां आदरणीय मनोहर लाल जी ने बनाई निष्पक्षता के साथ काम करने की और जिस प्रकार से पूर्व सरकारों के मुकाबले में बहुत तेज गति से विकास हुआ, तो उस गति को हम कम नहीं होने देंगे और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे। देखिए, अभी जो आम चर्चा है, जितनी हमारी जानकारी है, उसमें तो यही है कि अभी लोकसभा का ही चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव अपने समय पे होगा, लेकिन फैसला तो चुनाव आयोग को करना है। संगठन 100% तैयार है भारतीय जनता पार्टी का और हमारे जो त्रिदेव है, जो हमारे यहाँ एक बूथ पे जो तीन कार्यकर्ता हैं, उनका हमने बैठक भी ले ली और हमने लोकसभा का कार्यालय, विधानसभा का कार्यालय, सब कार्यालय खोल लिए, तो हमारी पूरी तैयारी है। देखिए, निश्चित तौर से जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील की कि अब की बार हमने जो एक बहुत बड़ी एक देश के सामने एक बड़ी समस्या थी जो अलगाववाद को पैदा कर दी थी और एक कलंक था मैं समझता हूँ, तो उस 370 को हमने समाप्त कर दिया और उसके समाप्त होने से जो विकास की दर है वो जम्मू कश्मीर की विकास की दर में बहुत बड़ा उछाल आया और लोग भी वहाँ पर खुश हैं, तो वो भी है। और दूसरी बात ये भी है, उस 370 को समाप्त किया तो अब की बार 370 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी को जीतनी है, उसने उन्होंने कार्यकर्ता को ये आह्वान किया है। तो मैं पूरा दावे के मजबूती के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि हरियाणा में जैसे 10 की 10 सीटें पहली बार हमने पिछली बार जीती थी, उसी प्रकार इस बार भी 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। दरअसल लोकसभा चुनावों से ठीक पहले न केवल बीजेपी ने जजपा से गठबंधन तोड़ दिया बल्कि मनोहर लाल को मुख्यमंत्री के पद से हटाकर नायब सिंह सैनी को सीएम बना दिया। नायब सैनी के साथ 5 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है, जिनमें से कंवरपाल गुर्जर भी एक हैं, जिनका जगाधरी पहुंचने पर आज जोरदार स्वागत किया गया। बता दें कि विपक्षी दलों का आरोप है बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा बदलकर सरकार की नाकामियां छुपाने और जनता को गुमराह करने का प्रयास किया है, लेकिन जनता ने बीजेपी को सत्ता से हटाने का मन बना लिया है और इसके परिणाम लोकसभा चुनावों में भी दिखाई देंगे। यमुनानगर से परवेज खान, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।